भोजपुर के रमना मैदान में आज ममता दीदियों ने 8 सूत्री मांग के साथ प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में ममता दीदियों ने शहर के विभिन्न सड़क मार्ग से गुजरते हुए जिलाधिकारी भोजपुर कार्यालय के समक्ष नारेबाजी भी। इस दौरान ममता दीदियों ने सरकार से अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर जिलाधिकारी भोजपुर को ज्ञापन भी सौंपा। अम्बेडकर जन सत्याग्रह सामाजिक संगठन और ममता आजाद क्रांति के बैनर तले सभी ममता दीदियों ने कहा कि हम लोगों को सरकार अनुबंध के तहत कार्य करा रहा है। हम सभी का मांग है कि हम लोगों को सरकारी कर्मी घोषित करें और साथ ही दैनिक वेतन की जगह स्केल के तहत मासिक वेतन भी दिया जाए। अस्पताल में हम लोगों के लिए भी कमरा सुनिश्चित किया जाए ताकि हम लोग बिहार में 2008 से ममता कर्मचारी का बहाली है। ये लोग का 15 साल हो गया है, आज तक सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि पूरे बिहार में ममता दीदी का वेतन बढ़ा जाए, हमसे कम सतवा लागू के हिसाब से दिया जाए। शोषण भी होता है पूरे बिहार को, ममता बहन लोग का भी शोषण होता है। ये लोग का दिया जाए, रूम मुहैया करवाया जाए, ये लोग का सुपर का भी काम करवाया जा रहा है, साफ सुथरा करवाया जा रहा है, ये लोग का चपरासी के भी काम करवाया जा रहा है, झाड़ू पोछा भी करवाया जा रहा है। उस सारा पूरा परेशानी में लोग है। भोजपुर में पाव पसारते मादक पदार्थों की बिक्री धड़ल्ले से हो रहा। पुलिस के साथ हाथ मिचौली खेल खेल रहे तस्करों को उनके मुकाम पहुंचाने में पुलिस भी कामयाब पड़े। ताजा मामला आरा नगर थाना का है। आरा नगर थाना के तेज तरार इंस्पेक्टर संजीव कुमार को गुप्त सूचना मिली कि तस्करों का अड्डा गांगी के पास हेरोइन का खरीद बिक्री धड़ल्ले से जारी है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर संजीव कुमार का टीम छापेमारी कर दो तस्करों को हेरोइन सहित हिरासत में ले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए एसपी प्रमोद कुमार ने कहा कि तस्करों को हिरासत में ले ली गई है तथा उनकी पृष्ठभूमि भी खंगाला जा रहा है। साथ ही नगर थाना क्षेत्र के पिछले दिनों हाईवे पर लूट की घटना का अंजाम देने वाले गिरोह का भी भोजपुर पुलिस पर्दाफाश कर दिया है। उसके बाद तीसरा हम लोग का मांग है शिक्षा के आधार पर प्रमोशन किया जाए। चौथा हम लोग का सरकार से मांग है कि सरकार हर एक हॉस्पिटल में बिहार के 534 PHC में कमरा मुहैया कराए। और पांचवा हम लोग का मांग है कि सरकार TA/TA बोनस, TA/PSIO इंश्योरेंस एवं अन्य भत्ता दिया जाए। शारीरिक बीमा 8 लाख का हो, दुर्घटना बीमा 40 लाख का हो। और छठा हम लोग का मांग है कि आकस्मिक दुर्घटना होने के उपरांत ममता दीदी के परिजनों को एक सरकारी नौकरी, ममता के पद पर उसके बेटी अथवा बहू को एवं 40 लाख का मुआवजा मिले। और कोरोना काल में जितने भी ममता दीदी का देहांत हुआ है उन सभी को सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच करा करके उन लोगों को सरकारी नौकरी और मुआवजा दे।